Wuhan, China, the source of the virus, that as far as we know. Whistleblower doctor who told the world about the coronavirus in Wuhan has died. Italy faces growing isolation. It's largely a financial squeeze. Even more severe restrictions. On lockdown. If you look at today, which is an anti-lockdown protest, so what, is this all a big conspiracy theory? It's your conspiracy theory. People in Iran are panicking. He's got the virus. India has confirmed infections in the country has exceeded 2 million in the world. There is underreporting as far as COVID-19 deaths are concerned. There is no oxygen around. We need thousands more ventilators here in New York City. Patients are losing their lives. We don't have what we need. But the window of opportunity is narrowing. आपको अवगत करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। मुल्क में जिंदगी का मतलब बदल गया। एक नया वायरस था, इसके तमाम एस्पेक्ट्स जो थे वो नए थे। किस तरह फैलता है, क्या पॉलिसीज बनानी है। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी थे जो मुख्तलिफ ममालिक में स्टैंडर्ड थे। हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल। वक्त ने कयामत की याद दिला दी। हमारी एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी थी जो IMF के प्रोग्राम में है, खासतौर पर जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी। फैलती ही चली जा रही थी। ICUs का ताल्लुक हो या वेंटिलेटर्स का ताल्लुक हो, ऑलरेडी दे वर फिल्ड टू देयर कैपेसिटी। के बच्चे जो हैं जो रेगुलर तालीम हासिल कर रहे थे उनकी तालीम जो है वो खत्म हो गई। बेसरो सामानी का आलम था। ना उनके पास दिहाड़ियां थी, ना उनके पास कोई कमाई का जरिया था। बहुत ही टेंस वक्त था हमारे मुल्क के लिए। मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूँ मेरे इन लोगों का क्या बनेगा। हिकमत और अकल का इस्तेमाल करें। सारी दुनिया कह रही थी कि लॉकडाउन कर दो, सब बंद कर दो, यही एक इसका हल है। तो शायद उस वक्त दुनिया में कोई और आवाज़ नहीं थी। वज़ीर आज़म ने उस वक्त ये कहा कि मैंने सिर्फ लोगों की जान और सेहत की हिफाजत नहीं करनी, वो बिल्कुल करनी है, वो जाहिर है वो एक अवलीन तरजीह है, लेकिन वो इस तरीके से करनी है कि लोगों के रोज़गार का नुकसान जो है वो भी कम से कम हो। सारा मुल्क लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ गरीब मजदूर हैं, वो बेरोज़गार होंगे तो हम 2 चीज़ों का मुकाबला कर रहे होंगे, बीमारी का भी और मुफलिसी का भी। लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त वबा यहाँ पर पहुँची और पहली पाकिस्तान के अंदर हलाकत भी हुई इस वबा से, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, इससे इतने मुख्तलिफ शोबे असरानंदाज होंगे और पूरी मुल्क के ऊपर इसका असर आना है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एक मिनिस्ट्रीज काम कर सके। इसीलिए एक NCC क़याम में आई जो वज़ीर आज़म ख़ुद उसको चेयर करते थे। उसके साथ साथ एक न्यूक्लियस की ज़रूरत थी जो इस पूरे एफर्ट को, इस पूरी जो मुकाबला करना था उसको मैनेज करे। वफाकी वज़ीर उसका हिस्सा थे पॉलिसी लेवल डिसीशन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए, और सूबों के साथ मिल के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। 27 मार्च 2020 को ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान NCOC को एस्टेब्लिश किया गया विद सीनियर फेडरल मिनिस्टर इन लीड और तमाम सिविल और मिलिट्री कंपोनेंट्स उनकी सपोर्ट के लिए। NCOC जो फंक्शन करती है ये डेली बेसिस पे मॉर्निंग सेशन होते हैं जिसमें की स्टेक होल्डर्स हैं वो डेली शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान से डाटा इकट्ठा होता है और तमाम कोविड इश्यूज़ को कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाता है और उनके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जाती है और फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में प्रोविंसेस के साथ मिलकर और तमाम फेडरेटिंग यूनिट के साथ मिलकर
उस पर एक्शन किया जाता है, और एक रोबस्ट मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग का, जिसके थ्रू जो डिसीजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाता है। एनसीओसी ने ना सिर्फ इधर सेशन किए, बल्कि एनसीओसी ने रीच आउट किया टू प्रोविंसेस, और हर जगह हर फेडरेटिंग यूनिट में जाके एनसीओसी ने फॉर्मल सेशंस किए। संजीदगी का एहसास हुआ और कितना बड़ा मसला है कोरोना, इसका एहसास हुआ, कौन सी SOPs हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो एहसास हुआ। ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि प्रोविंस अपने तौर पे तो प्रोविंशियल लेवल तक डिसीजन ले सकता था, लेकिन पूरे मुल्क के लेवल पर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत थी। NCOC ने इसमें हमारी बेहतर रहनुमाई की। वीडियो लिंक के ऊपर जो हमारी बातचीत होती थी उनके साथ बैठते थे, मीटिंग बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे रहे हम। वफाक और सूबों का एक कोहेरेंस जो बना, इसने चीज़ों को एक अच्छी तरफ ले गया और उसमें एक ओनरशिप भी आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के VN के मुताबिक सूबा भर के लिए जामे हिकमत अमरी वज़ा की गई। काफ़ी कारामद और मुफीद वो प्लेटफॉर्म बना, ताकि उसमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होती थी, जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो हम NCOC को बताते थे। बड़े मौसर तरीके से सबको साथ लेकर चलने का जो तरीक़ाकार अपनाया, NCOC ने ये फोरम हमें मुहैया किया। मेरा ख्याल है कि आगे भी हम उसी के मुताबिक चलते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट जो किया गया, जो कामयाब भी साबित हुआ, और ये शायद पाकिस्तान में पहले ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। पहले 100 दिन मुझे याद है, जिस दिन हुए थे उस दिन वज़ीर आज़म भी आए थे वहाँ पे, तो उनको मैंने बताया था कि 100 दिन में से एक दिन भी छुट्टी नहीं किया है। ये NCOC की पूरी टीम जो है, 100 में से 98 दिन हम लोग भी मिले थे, हफ्ते में 7 दिन मिलते थे, सिर्फ ईद के 2 दिन हमने वो मीटिंग नहीं की थी, लेकिन उन 2 दिन भी जो है NCOC की टीम काम कर रही थी। NCOC उस राह पर चल निकला था जिसकी मंजिल वबा की शिकस्त थी। इस सफर का पहला संगे मील चलती हुई सांसों को चलते रखना था। तदाई दौर में चैलेंजेस और मुश्किलात थी कि ये डिजीज जो एक अर्बन डिजीज है, इसलिए इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो शहरों पे पड़ा, कि वो तमाम तर इंफॉर्मेशन और डेटा जो एक जगह में हमें चाहिए था, उसका कोई तरीका कार नहीं था। ह्यूमन रिसोर्स था, उनकी ट्रेनिंग थी कि ये ना हो कि बेड्स कम पड़ जाए, ये ना हो ऑक्सीजन कम पड़ जाए, ये ना हो वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएं। जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी वो भी महदूद थी। हमारे पास तो वो हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं है। जब यूरोप नहीं मैच कर सके, अमेरिका मैच नहीं कर सके, तो पाकिस्तान तो बहुत दूर है। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज कहीं कोलैप्स ना कर जाए। एक लैब थी जो 45 टेस्ट एक दिन में कर सकती थी। वो इस्लामाबाद भेजने और फिर वापस मंगाना तकरीबन एक टेस्ट के लिए हफ्ता। कोऑर्डिनेशन जो थी तमाम सूबों के साथ, ताकि सब को हर कोई एक पेज पे हो, एक ही तरीके से एक्शन कर रहा हो, ये भी एक चैलेंज था। उसका मुकाबला करने का भी यही तरीका था कि ये सारी जो कुव्वत है उसको यकजा किया जाए, और वही उसका बुनियादी रोल था NCOC का। लिहाजा इस सूरत हाल से निमटने के लिए NCOC ने हंगामी बुनियादों पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना था। पहले मरहले में COVID-19 टेस्टिंग को यकीनी बनाया गया। खाली टेस्ट करना नहीं, इसके बहुत सारे लवाजमात होते हैं, जिसमें क्वालिटी इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। थ्रू आउट द कंट्री ऐसे कंट्रोल्स और मैकेनिज्म शुरू किए जिससे इनसे क्वालिटी इंश्योर रिजल्ट निकल सके, और इस वक्त ऑल अक्रॉस द कंट्री 180 से ऊपर लैब्स हैं जो कि काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो किट्स थी वो भी हमारे पास बहुत कम तादाद में थी, उसको पूरा करने के लिए NCOC ने एक अहम किरदार अदा किया और हमें इनिशियल उन्होंने किट्स दी। वो टेस्ट जो हम कर सकें उनकी तादाद सैकड़ों से लेकर हजारों तक बाद में पहुंच गई। NCOC की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी थी वो काबिले भरोसा मालूमात की फराहमी थी, जो IT के शोबा ने मुहैया की। रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन और बराह रास्त मुल्क भर के अस्पतालों में मौजूद सहूलियात की मालूमात NCOC तक पहुंचाई जाती है। सारे सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक जगह हम इस डेटा को लाने के काबिल हुए। NCOC कोई भी तजवीज़ देता था, वो सारा डेटा सामने रख के दिया जाता था, जिस डेटा में आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो था वो दोनों शामिल होते थे। इसी डेटा को मद्देनजर रखते हुए मुल्क में ऑक्सीजन की जरूरत का बर वक्त अंदाजा लगाया गया। ऑक्सीजन की पैदावार को 65% तक बढ़ाया गया। ड्रैप की मदद से कोरोना से मुतालिक अद्वियात के हुसूल और पैदावार में भी इजाफा किया गया। आज पाकिस्तान में कोई मेडिसिन जो कि कोविड रिलेटेड मेडिसिन है वो शॉर्ट नहीं है। NDMA के तआवुन से हंगामी बुनियादों पर बैरून मुल्क से वेंटिलेटर्स दरामद किए गए। NRTC के तआवुन से
खराब वेंटिलेटर्स को मुरम्मत के बाद काबले इस्तेमाल बनाया। डिफेंस के जो इदारे हैं और हमारी जो मिनिस्ट्री के जो सिविल इंजीनियर्स, सिविल साइड के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने मिल के बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेंटिलेटर्स भी अपने जो हैं फिर बना लिए। और बिलाखिर NCOC की रहनुमाई में मुल्की सतह पर वेंटिलेटर्स तैयार किए जाने लगे। साथ साथ हमें चैलेंजेस थे इक्विपमेंट के, जो NCOC और NDMA की मदद से हमने उन चैलेंजेस को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाला। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी जो हमने कैपेसिटी को मैप किया, उनके अंदर ये तमाम जो सहूलियात हैं, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने NCOC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ लिंकेजेस हमने बिल्ड किए। लेकिन साथ साथ जो हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन की फैसिलिटीज थी, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, वो स्कूल्स ले लिए, तो माइल्ड केसेस के लिए हमने उन स्कूलों को कन्वर्ट किया इनटू हॉस्पिटल फैसिलिटीज। मुल्क में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को पेश नजर रखते हुए टेम्परेरी फील्ड आइसोलेशन हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन सेंटर्स का कायम अमल में लाया गया। ये अस्पताल NCOC के साथ कोलैबोरेशन में चलता रहा है कोविड के मरीजों की देखभाल के लिए। इसमें 250 बेड्स हैं। अगर ये कैपेसिटी ना क्रिएट होती इन द फर्स्ट वेव, तो ड्यूरिंग आर थर्ड वेव वी वुड हैव फेस्ड सिमिलर सिचुएशन एज इंडिया फेस्ड इन देयर मैसिव सेकंड वेव। जो हमने पिछले सवा साल के अंदर ये मेहनत की थी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसका आज हमें फ़ायदा हुआ कि जब तीसरी वेव आई पेंडेमिक की और उसकी वजह से तादाद मरीजों की जो अस्पतालों में आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन किसी फील्ड हॉस्पिटल का इस्तेमाल किए बगैर हम उन सारे मरीजों को अपने अस्पतालों में अकोमोडेट किया और उनका इलाज भी कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो मेडिकल कैपेसिटी उसको बढ़ाया। NCOC का मुशाहिदा बता रहा था कि अस्पतालों में मरीजों का रश वबा को फैलने में मदद देगा, लिहाजा टेली हेल्थ का निजाम वजह किया गया, जिसके जरिए कोविड समेत हर तरह के मरीज घर बैठे एक फोन कॉल पर अपनी मर्ज के माहिर डॉक्टर से मशवरा कर सकते थे। NITB की मुआवनत से एक मोबाइल फोन ऐप तैयार की गई, जिसके जरिए आसानी के साथ ऐसे करीबी अस्पताल का पता लगाया जा सकता है जिसमें कोविड मरीज के लिए मतलूबा सहूलियात मौजूद हों। जून के महीने मुझे आज भी याद है कि हमें एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर की कॉल आई एट द एंड ऑफ द डे। आपकी ऐप को हमने यूज़ किया है आज सारा दिन, तकरीबन 120 लोगों की लाइव सेव की हैं कि उनको किसी वेंट की ज़रूरत थी तो हम एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी ऐप यूज़ करते हुए नियरेस्ट हॉस्पिटल तक उनको ले गए जहाँ पर वो मास्क या वेंट अवेलेबल था। फिर एक और मरहला हेल्थ केयर स्टाफ की ट्रेनिंग का था कि टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट किट्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कोरोना मरीज की निगहदाश्त कैसे करनी है, ऑक्सीजन की फराहमी को कैसे यकीनी बनाना है, और इस सब के साथ साथ हेल्थ केयर स्टाफ ने खुद को इस वबा से कैसे महफूज रखना है। ये सब किरदार हम सब ने अदा किया, लेकिन जाहिर है जो सबसे आगे खड़े हो के इस वबा का मुकाबला कर रहे थे वो हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स थे, उनमें से कई जो हैं बेचारे वो चल बसे, वो खुद इस वबा का शिकार हो गए और वो हमारे साथ नहीं रहे, तो ख़ास तौर पे उनको तो सलूट जो है वो खुसूसी तौर पे करना चाहता हूँ। कुछ इस एफर्ट में ऐसी चीज़ें थी जिसमें जिद्दत, टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल था जिसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मुहैया करनी शुरू कर दी, या कम अज़ कम उनका आगाज़ हो गया जो पहले पाकिस्तान में मुहैया नहीं थी। NCOC और शामिल इदारों की शबाना रूज मेहनत से कोरोना को शिकस्त देती हुई डूबती सांसें तो बहाल हो गईं, मगर बेरोजगारी के आंगन में धूप जैसी फैलती भूख को शिकस्त देना अभी बाकी था। जो तरीकेकार दुनिया अपना रही थी उसमें लोगों का रोजगार भी मुतासर हो रहा था, और बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा था, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हुई, हमारी टैक्स और एक्सपेंडिचर जो है वो भी मुतासर हुए। सबसे अहम सीगा इसका वो ये था कि हम कैसे लोगों को इसकी जो सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको कैसे बियर कराएं, उसको कैसे वो लोग इसको हैंडल कर सकें इस बीमारी के साथ साथ। जिस किसी को भी इस वक्त मुश्किल है, जिस किसी की मुलाजमत गई है, जिस किसी का रोजगार मुतासर हुआ है, जिसको ज़रूरत है उसके हाथ में कैश पहुंच सके,
1,50,00,000 घरानों में हमने 12,000 रुपए पाकिस्तान की तकरीबन आधे घराने जो हैं उनके हाथ में उस बहुत ही मुश्किल वक्त ये कैश पहुंचाया गया। 12,000 पूरा है। परेशान हाल लोगों के लिए ये एहसास किसी ताजा हवा के झोंके से कम न था, मगर मुल्की मोईशत को जिस तूफान का सामना था उससे बचने के लिए एनसीओसी ने एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की। हमने फूड सप्लाई और मेडिसिन की जितनी सप्लाई लाइंस थी और जितनी इंडस्ट्री थी और रिटेल थी उसको हमने फौरी तौर पे खोल दिया, और फिर उसके फौरन बाद ही चंद हफ्तों बाद ही एक दो हफ्ते बाद हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलना शुरू किया, क्योंकि वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है हमारे डेली वेजेस का। और मैं समझता हूँ इन दो इकदाम से हम बहुत बड़े एक नुकसान से बच गए इकॉनमी के अंदर। लॉकडाउन बर्दाश्त करना पड़ा कुछ इंडस्ट्रीज़ को, तो हम मुख्तलिफ पैकेजेस सामने लेके आए कि वो अपनी लेबर फोर्स को रिटेन रखें। हमने पेरोल फाइनेंसिंग पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए स्टेट बैंक के साथ मिलकर, 250 अरब से ज़्यादा जो हैं टैक्सेस की रिफंड की, कुछ 157 अरब रुपए के लोन्स मुअख्खर किए, 50 अरब रुपए छोटे जो कारखाने हैं उनके 3 माह का जो बिल था लॉकडाउन के बाद वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किया, और इन सारी स्कीम से मिला के कोई 30 से 40 लाख से ज़्यादा कारोबार जो थे पाकिस्तान में, ज़्यादातर SMEs, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। वबा के फैलाव में कमी होते ही तीसरे मरहले में SOPs पर सख्ती से अमल की शराइत पर तमाम कारोबार खोल दिए गए। पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई थी PPEs की, इनकरेज किया एक्सपोर्टर्स को कि वो रीओरिएंट करें, इंटरेस्ट रेट कम इसीलिए किया क्योंकि बाकी सारी दुनिया बंद थी उसकी इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री खुली थी, तो लोगों ने अपने आप को रीओरिएंट किया। NCOC उनका मेन मकसद था कि इंडस्ट्रीज के साथ सबके साथ तावन करे के पॉलिसीज बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉलिसीज के तहत अभी तो दुनिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। एंड व्हेन द गवर्नमेंट टुक एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव एंड अग्रेसिव मॉनेटरी फिस्कल एंड इंडीड सोशल स्टेप्स to help cope with the fallout from the pandemic, the Pakistan Stock Exchange did not stop trading for even a single minute throughout the lockdown period, unlike some of the other regional exchanges that had to shut down. Wazir Azam ka vision tha na, aur unke zehen ke andar jo bilkul ek clarity thi ki maine apne khaas taur pe jo kamzor tabqa hai jo ye nuksan bardasht nahi kar sakta, maine uske maashi jo nuksan ka hai usko bhi kam se kam rakhna hai. Ye ek bahut अहम चीज़ थी जिसको हमेशा NCOC ने अपने तमाम जो इसने हमने डिसीजन लिए तमाम फैसले लिए उसके अंदर हमेशा इसको बुनियादी तौर पे सामने रखा। सारी दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा मुतासर गरीब लोग हुए उस मुल्क के, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह ब्राज़ील में, जिस तरह हिंदुस्तान में, अमीर तरीन मुल्क के भी गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक NCOC ने सेहत और मोईशत के उलझे हुए मामलात को एहसन तरीके से सुलझा लिया। इस सुलझाव के पीछे जो सोच और हिकमत अमली कार फरमा थी, जिसका मकसद ऐसा लाया अमल तैयार करना था जिससे वबा फैलने ना पाए और मोईशत सुकड़ने ना पाए, वो है नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। इसमें कुछ अहम नई चीज़ें हमने शामिल की, स्ट्रेटजीज बनाई जो दुनिया में इस वक्त मानी जाती हैं, जिसमें दुनिया उनको फॉलो कर रही है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटीन का TTQ का निज़ाम जो कहते हैं, वो हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी कंडीशन में मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी बहुत हैवी उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। IDMS ने ऑनलाइन ऐसा निज़ाम वज़ा किया जिसके ज़रिए मुल्क भर के तमाम हस्पतालों और लेबॉरटरीज में टेस्ट की शरह, मरीजों की तादाद और अमवात की तादाद का डेटा बराह रास्त NCOC को फराहम किया। उन तमाम लोगों की निशानदेही की जा सके जिनका पिछले 7 दिन के अंदर कोविड पॉजिटिव केस से रब्ता हो, उन तमाम लोगों के टेस्ट किए जाएं और उनको क्वारंटीन किया जा सके। आज तक तकरीबन हमने 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ट्रेस और टेस्ट किया है, जिनमें से 3,60,000 अफराद के अंदर करोना वायरस की तशखीस की जा चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन्स मुतारिफ करवाए गए। जितने भी लोगों के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस होती है, हमारी टीम्स उन तमाम केसेस को
रोजाना की बुनियाद पर जियो टैग करते हैं। यही वो डाटा है जो हमारी आईटी टीम्स हॉटस्पॉट्स मैप बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एनसीओसी की टीम्स रोजाना की बुनियाद पर इन हॉटस्पॉट्स मैप्स का तजिया करती हैं। एनसीओसी की मुतारिफ करदा इस हिकमते अमली की मदद से बीमारी को बहुत तफसील और बारीक बीनी से जांचा गया और उसे सिर्फ मुतासिरा घरों तक महदूद कर दिया गया। उस वक्त एक बड़ी फजा थी कि लॉकडाउन ना किया जाए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन भी मुतारफ कराया और हमारी आर्म फोर्सेस की एजेंसियों ने भी इस पे काम किया और जिस इलाके में इस वबा का जोर ज़्यादा पाया गया वहाँ ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई और जहाँ इसका ज़्यादा जोर नहीं था उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ और वहाँ ज़्यादा आम आदमी के लिए दुश्वारियाँ नहीं पैदा की गई। और मतलब जो हमारे पास गरीब दिहाड़ीदार तबका था अल्लाह पाक ने उनका भी रिजक चलाए रखा। मुकम्मल बंद हो जाता तो सब ये दिहाड़ीदार तबका किधर जाता। इवन हम माइक्रो लेवल तक है कि आप एक मोहल्ले को सिर्फ बंद कर दें ताकि पूरा बाकी दूसरा मोहल्ले को तकलीफ ना हो, हमने इस हद तक गए। एक वक्त में मुझे याद है कि पाकिस्तान की सिर्फ 7% आबादी को लॉकडाउन करके हम 45% के करीब तकरीबन जो केसेस थे एक्टिव केसेस कोरोना के उनको कंटेन करने में कामयाब हुए। वबा के उतार चढ़ाव और फैलाव के रोजानात का तज्जिया करने के बाद एनसीओसी के मॉडलर्स आने वाले दिनों में वबा की सूरत हाल की पेशीन गोई करते हैं जिनको बुनियाद बनाकर एनसीओसी आइंदा का लाया अमल तैयार करता है। तमाम शोबाहाय जिंदगी के नुमाइंदा अरबाब इख्तियार की मुशावरत से एसओपीज तैयार किए गए। सूबाई हुकूमतों की इंतजामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी की मदद से इन एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। हर स्टेक होल्डर को पूछा जाता था कि क्या समझते हैं कि जिससे बिजनेस भी चले और डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकें। हमें डेली बेसिस के ऊपर हर हफ्ते के ऊपर बनी बनाई एग्जैक्ट एसओपीज एनसीओसी की तरफ से मिलती थी, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। इनडोर बंद किया रहा है, आउटडोर करते रहे हैं, फिर कभी पार्सल करते रहे हैं, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की गैबी मदद से हमारा किचन चलता रहा। इंडिया में आप देख लें, उन्होंने नहीं किया इस पे एसओपीज पे अमल नहीं किया, गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चले, तो आज वो देख लें वो किन हालात में चल रही हैं। मॉनिटरिंग का निजाम वजा किया जिसकी मदद से बीमारी के हवाले से सूबों और तमाम इदारों की कारकर्दगी को जांचा जाता है और उन्हें रहनुमाई मुहैया की जाती है। एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि वबा हमारे बॉर्डर्स के रास्ते से मुल्क में दाखिल ना हो, लिहाजा बॉर्डर मैनेजमेंट की हिकमत अमली तैयार की गई। पाकिस्तान में जो 19 पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स, जिसमें ग्राउंड लेवल की जो बाउंड्रीज हैं या समंदर के जो रास्ते हैं, इनके अंदर हमने री इन्फोर्समेंट की और ऐसे SOPs डेवलप किए कि बाहर से कोई भी शख्स बगैर स्क्रीनिंग के और बगैर टेस्ट के पाकिस्तान में ना आ सके। जैसे जैसे ये वबा पाकिस्तान में इवॉल्व हुई और इसके इसमें चैलेंजेस का इजाफा हुआ, उसी तरह हमने अपनी हिकमत अमली जो थी उसको भी इवॉल्व किया। NCOC उन ममालिक का भी तायुन करता है जहां वबा खास हद से बढ़ रही हो और उन ममालिक से आमद और रफ्त को रोक दिया जाता है। सारा कुछ खोल दिया तो फिर जो यहाँ नुकसान होना था वो आज तक हम उसको मैनेज कर रहे होते। हमें ये मालूम था कि लोग उसमें कुछ एयरपोर्ट्स पे फंस गए। हर फैसला डेटा की बुनियाद पे, कौन कब कैसे आ सकता है, क्योंकि तब सारी स्पेशल फ्लाइट्स थी, आम जहाज तो चल नहीं रहे थे। अपने उन शहरियों को वतन वापस लाने के लिए खसूसी परवाजों का अहतमाम किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एक्सरसाइज लोगों को वापस लाने की गई, एक मजबूत हिकमत अमली बनाई और कामयाबी से लोगों को हम वापस लाए। रियासत को इस बात का भी इदराक है कि मजहब के साथ सब लोगों का एक नफ्सियाती और जज्बाती लगाव होता है, लिहाजा इबादतगाहों की बंदिश से हर मुमकिन इज्तनाब बरता गया। 20 नुकाती SOPs पे जो कि NCOC के हिदायत के मुताबिक थे और उलमा के मुशावरत के भी मुताबिक थे, उस पे उन्होंने कमिट किया। हाथों का धोना है और फासले पर खड़ा होना है। जब अगर आप उन पे एतमाद करते हैं और वो आप पे एतमाद कर जाते हैं तो इस मुल्क में कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। माह रमज़ान में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां मस्जिदों को SOPs के साथ खुला रखा गया था। NCOC की हिदायत के तहत पूरे पाकिस्तान के गुरुद्वारे
SOPs के साथ खुले, लोगों ने आना कम कर दिया, होली दिवाली जन्माष्टमी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन इबादत का एहतमाम किया, लोगों ने घर पर रहकर अपने खानदानों के साथ इबादत में शमूलियत इख्तियार की। कलियतों को भी ये एहसास हो गया कि हमें भी मशावरत और फैसला साजी में शामिल किया जा रहा है। वबा के इस दौर में एक और बड़ा मसला बच्चों की तालीम का था, और इम्तिहानात का जो मामला है उसको हमने उस पर गौर किया और उसके ऊपर हमने कुछ फैसले किए। इम्तिहानात अगर नहीं होंगे तो बच्चों को पास कैसे किया जाए, सबको साथ मिला के हमने फैसले किए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो इम्तिहानात थे उनके बगैर उनको मौखर किया, बल्कि कैंसिल कर दिया, और वहाँ पर बच्चों को एक मुतफिका फैसले से प्रमोट किया। EIMS एक ऐसा निज़ाम है जो मुल्क भर के स्कूलों में असातिज़ा और तालबे इल्मों की तादाद से NCOC को आगाह करता है, ताकि ये फैसला किया जा सके कि इन स्कूलों में तालीम का मरहलावार सिलसिला कब और कैसे शुरू किया जा सकता है। NCOC और हुकूमत की इन तमाम काविशों और कामयाबियों के बावजूद एक बात तयशुदा है कि वो सफ़र जो 2020 में कोविड के पहले मरीज की शनाख्त से NCOC ने शुरू किया था, उसकी मंजिल पाकिस्तानी आवाम को इस वबा से मुकम्मल निजात दिलाना है। वैक्सीन जो है इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन विलिंगनेस और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन टू द लार्जर पब्लिक। पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज रही, लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सफिशेंट क्वांटिटी हमें मिल गई। पूरी की पूरी वैक्सीन के मुकम्मल ट्रायल्स इधर हुए, अप्रूवल इधर हुई और उसको एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन ग्रांट की गई। हमने इस्लामी नजरियाती कौंसिल वहाँ हमने भेजा, उलमा की उस कमेटी ने और कौंसिल ने, उसने कहा कि इसमें कोई चीज़ काबिल एतराज और हराम नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी उतनी नहीं पाई गई जितनी बाकी दुनिया में थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन वॉज टू मेक श्योर टू डिप्लॉय आर वैक्सीन ऑल अक्रॉस द कंट्री। This included cold chain maintenance, training, preparation. हमने इसका IT solution बनाया जिसको हम NIMS कहते हैं, National Immunization Management System. National Immunization Management System पाकिस्तान का पहला digitized immunization system है। बगैर इंसानी मदाखलत के एक fully automated तरीके से हम vaccination की registration start कर पाए। 1166 free SMS service के जरिए तमाम शहरी वैक्सीन के लिए अपने आप को register करा सकते हैं और इसके जवाब में उनको करीबी वैक्सीनेशन सेंटर का तायुन कर दिया जाता है जहां से जाके वो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। हमें फ्यूचर में ये वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू करने पड़े तो ये सिस्टम वो भी कर सके। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से शामिल है पूरी दुनिया में जिन्होंने नहायत ही कम वक्त में कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट लॉन्च कर दिया। तो एक स्टेज ये आई कि जिसमें हम देख रहे थे कि लोगों का बढ़ रहा था हमारे सेंटर्स पे आना और वैक्सीन कम हो रही थी। NCOC की मीटिंग भी इसी तरह हो रही थी, ये प्रॉब्लम हमारी है और ये हमें आज के आज ही सोल्यूशन इसका चाहिए, वैक्सीन और चाहिए। तो ये इतना बेहतरीन नॉन ब्यूरोक्रेटिक तरीका था कि सुबह 10 बजे हमने एक चीज़ का कहा और शाम को 4:30 बजे 20,000 वैक्सीन वो जो है अरेंज करके और डिस्पैच कर दी गई। पाकिस्तान ने लोकली वैक्सीन बनाने की, जिसका हमने नाम पाक वैक रखा है, उसकी एक सलाहियत हासिल कर ली है और हमारी इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 30 लाख खुराकें जो है वो एक मंथ में हम प्रोड्यूस करने के काबिल होंगी, जिसको आने वाले दिनों में और बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। इंशाल्लाह दिसंबर 2021 तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीनेट करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसे हासिल करना NCOC का अज्म है। निजात की मंजिल के इस सफर में NCOC को आवाम का एतमाद और साथ दरकार था, लिहाजा इस मकसद को हासिल करने के लिए एक मजबूत मीडिया पॉलिसी तैयार की गई, जिसका मकसद हुकूमती सिफारिशात, SOPs और वबा की बदलती हुई सूरत हाल की आगाही पहुंचाना था, ताकि हुकूमत और आवाम मिलकर इस वबा का मुकाबला कर सकें। covid.gov.pk एक ऐसी वेबसाइट है जो आम आवाम को मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल से मुतालिक
तमाम मालूमात और SOPs की आगाही फराहम करती है। रेडियो, टेलीविजन, प्राइवेट चैनल्स, प्रिंट मीडिया सब ने इस सारे SOPs की तशहीर की और एक ऐसी आगाही पैदा की अवाम में जिसमें कि वो अपने आप को महफूज भी रख सकें और जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी एक महदूद तरीके से लेकिन चलता रहे। उसकी इतनी पब्लिसिटी की जाती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ बहुत ज़्यादा इम्पेडिमेंट्स नहीं आते थे और हमें भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता कि हम बार बार कस्टमर को बोले कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज करें। पब्लिक मीडिया के थ्रू इतना आ गया था कि लोग कोविड की जितनी भी SOPs थी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया का भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इन हालात में बहुत अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। मीडिया की मदद से NCOC और आवाम के दरमियान खुलूस का रिश्ता उस्तवार हुआ है। Compared to say a rich country, Pakistan had a pretty bad peak in Karachi, but now they look like Europe. Those numbers have come down. और आज मुझे खुशी है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO एक्नॉलेज कर रहे हैं पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली की तारीफ हो रही है। लीडरशिप हैज बीन स्ट्रॉन्ग इन सेटिंग अ विजन इन मोबिलाइजिंग पार्टनर्स एंड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली रिस्पोंड टू द पेंडेमिक। पाकिस्तान क्लासिफाइड एज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट रिस्पोंडेड इफेक्टिवली टू द पेंडेमिक COVID-19 पेंडेमिक। मैं शुक्रगुजार हूँ खास तौर पे चीन का। चीन से लिंगदाओ NCOC का काम जो NCOC रोजाना की बुनियाद पे COVID-19 का डेटा शेयर करता है जो शफाफियत को बरकरार रखने के साथ साथ वबा के फैलाव की सख्त निगरानी और हिफाजती इकदामात पे अमल दरामद को यकीनी बनाता है। जब चाइना अपने मुश्किल हालात में से गुजर रहा था तो पाकिस्तान पूरे जज्बे से चाइना के शाना बशाना खड़ा रहा और अब जब पाकिस्तान में कोविड ने जोर पकड़ा तो ना सिर्फ चाइना की हुकूमत बल्कि अफवाज, कारोबारी और फलाही तंजीमें सब मिलकर पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े क्योंकि दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। I really appreciate the great effort done by NCOC. Both of us, UAE and Pakistan, work closely from the beginning. And I'm really happy to note that we successfully passed the third wave of coronavirus. And inshallah, in the nearly future, we will work more closely with each other to pass this very difficult time. I personally wrote a report about how NCOC functioned, how NCOC effective in fighting against the COVID-19 back to Tokyo, so that the Japanese government also gets some lessons from the example of the NCOC. First of all, I should thank the NCOC and Pakistani authorities. The struggle to fight against COVID in this country is remarkable and very successful. Because of their efforts, I myself feel quite secured and safe in Pakistan with regard to the pandemic. I have personally witnessed how our two countries are working together to prevent and relieve suffering. For more than a year, the United States has stood with Pakistan in its fight against COVID-19, and we will continue to do so. कोविड के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सरबुलंद और सुरखरू होने की तरफ गामजन है। दुनिया हमें सताइश भरी नजरों से देख रही है। पाकिस्तान की कामयाबियों का पूरे आलम में चर्चा है, मगर हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वक्त गवाही देता है, जब सब गलियां सुनसान हुई थी, जब सब आंखें वीरान हुई थी, उम्मीद
कोई एक रही थी। दुनिया, तुमको देख रही थी। जब दुख के बादल छाए थे, ये वक्त गवाही देता है, तुम आए थे। पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड भी किया, पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया, हमने कोविड का मुकाबला किया, जबकि बराबर के मुवालिक के अंदर लाखों अफराद इससे मुतासर हुए। इस डिजीज के अगेंस्ट हमें उसने एक अच्छे रिजल्ट दिए, बल्कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में और बहुत सी चीज़ों में ये नेशनल इंटीग्रेशन की जो एक आला मिसाल एनसीओसी ने कायम की, वो इंशाल्लाह बहुत आगे हमारे उसमें काम आई कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पूरी रियासत की जो ताकत है वो वहाँ पर जमा हो गई और उसने फिर इस वबा का मुकाबला किया। यकजहती जिसमें ना लसानी चीज़ों को जहन में रखा गया, ना सियासी चीज़ों को जहन में रखा गया, ना इलाकई चीज़ों को जहन में रखा गया। कायद आज़म ने कहा था कि इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, इन तीन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए हम आजमाइशों का मुकाबला पहले भी करते रहें और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और हर आजमाइश के अंदर हम खैरात और यकजहती का मुजाहरा करते रहेंगे तो कोई आजमाइश हमारे लिए बड़ी नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आजमाइशों से भी हम बचे रहें, मगर बाहर सूरत कोई आजमाइश आएगी तो हम तैयार हैं। कोरोना का ये जो वेव है, ये सबसे खतरनाक है। आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। देख रहा हूं कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा, और उसका बड़ा खतरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया। हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेजी से ना फैले। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खास ताकीद करता हूं कि ये जो सबसे आसान चीज है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं, खास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहने, बसेस में बैठे, गाड़ियों में बैठे, जिधर भी पब्लिक हो मास्क जरूर पहने। इंसानों से तो सब लड़ते हैं, मगर अनदेखे दुश्मन से लड़कर तुम हमें महफूज बना रहे हो। कोविड का मुकाबला कैसे करना है, एहतियात के साथ कैसे जिंदगी बसर करनी है, ये तुमने हमें सिखाया है। अद्वियात से लेके वैक्सीन की फ्राहमी तक तुमने दिहाड़ीदार मजदूरों का ख्याल रखा है। तुम्हारी हर काविश पर पूरी कौम तुम्हारी शुक्रगुजार है। तुम दम तोड़ती सांसों को फिर से बहाल कर रहे हो वबा के मुश्किल दिनों में। तुम हमारी जिंदगी की जमानत बन गए हो। अपनी जान खतरे में डालकर जिंदगी बचाना, ये हुनर कोई तुमसे सीखे। इस वबा के खिलाफ तुम्हारा इत्तेहाद पाकिस्तान का इत्तेहाद है। तुम्हारा शुक्रिया।